आज 16 सितंबर 2024 बाप दादा के महावाक्य हैं। मेरे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है। वंडर क्या है इसमें? वंडर क्या है इसमें? जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग में क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, जीना कैसे है, यहां पर जीते जी मरना सिखलाया जाता है। और जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। तो हंस बनना है, बाकी सब बगले बनेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? कौन सी फिक्रात है? बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी एक फिक्रात रखनी है। कौन सी है? उत्तर है, हमें विनाश के पहले, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है, आदत होती जाती है। खुद बनेंगे परफेक्ट, वो चाहेंगे दूसरों को परफेक्ट बनाए। वो सर्विस के बिना रह ही नहीं सकते, जिन की तरह भागते रहेंगे। जिन की कहानी है ना, काम दो मुझे, काम दो तो तुम्हारो खा जाऊंगा मैं, ऐसे वो भी सेवा के बिना रह ही नहीं सकेंगे। तो सर्विस के साथ साथ, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्व की सेवा के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, लास्ट सो फास्ट, जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। हमारी सेवा क्या है? सबका ताला खोलना। दूसरा, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है, और एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट है, इसी नशे में रहना है। वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व गंभीरता के देवता वो कौन है? आजम गंभीरता के देवता। अपनी भी शक्ल देखो, गंभीर हो, कैसे होते गंभीर? क्या होता गंभीर? सीरियस ऐसे बैठे हो, कैसे होते गंभीर? गंभीर माना मैच्योर, जिनमें मैच्योरिटी होती है। मम्मा को कहते थे बाबा गंभीर है, मैच्योर है। मैच्योर मीन अंदर उनके स्माइल हमेशा रहती है, उसे कहते हैं मैच्योर। अंदर कभी भी किसी के लिए गिला शिकवा नहीं होता, उसे कहते हैं मैच्योर। मम्मा थी मैच्योरिटी की देवी, और दादी जो थे कौन से, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा थोड़ी देर पहले, जो हमारे अकाउंट्स के हेड थे, ईशु दादी, उनको भी बाबा कहते बहुत गंभीरता की देवी है। ये दोनों को बाबा ने किताब दिया था, गंभीरता की देवी है। तो ऐसा हमने भी क्या बनाया? गंभीरता की मैच्योरिटी दिखे हमारे से। कैसे? जब हमारे फुल मार्क्स जमा होंगे तब गिराएंगे ना। तो फुल मार्क्स कैसे जमा होंगे? जब गंभीरता के गुण को अपनाएंगे। ठीक है, हम सब ने गंभीरता के गुण को अपनाना है, और उसमें भी फुल मार्क्स लेनी है, तब टाइटल मिलेगा गंभीरता की देवी या देवता। देवी देवता कहते हैं, गॉड गॉडेज को भी कहते हैं, भगवान भगवती
ऐसे बनना है तुम्हें गंभीरता की। दोबारा बोलता हूँ, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी वा देवता भव। बाबा ने कहा वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है, जो आता है बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, कच्चा फल खा लिया। आपने कुछ काम किया, अपनी तारीफ कर दी, मैं तो बड़ा काम करती हूँ, मैं तो बड़ा काम करता हूँ, आधा गया, आधा ही जमा होता है। और जो गंभीर होता है, मैच्योर होता है, उसका फुल जमा होता है, करेगा, सेवा करेगा, दिखाएगा नहीं किसी को, शो ऑफ नहीं करेगा। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना काम किया, नहीं, बस आराम से बैठे करो, खुशी से बैठे करो, खुशी गैप नहीं होनी चाहिए। वो है गंभीरता की देवी। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। कैसे हो सकता है ये? बिंदु रूप, बाबा तीन बिंदु लगाओ, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा जो बीत चुका उसको बिंदु लगा दो। समस्या कितनी भी बड़ी है, परिस्थिति कितनी भी बड़ी है, विस्तार कितना भी बड़ा है, पावर किस में होती है? सार में। विस्तार दिखता है कि बहुत बड़ा है, पर पावर सारी सार में होती है। और सार क्या है? पहली बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, मैं शरीर नहीं हूँ। समस्या को ख़त्म करने का तरीका, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का तरीका, पहली बिंदी एक सेकंड में लगाओ, मैं आत्मा हूँ। किसकी हूँ? परमात्मा बाप की हूँ। बड़ी बिंदी पर चल जाओ और उसके बाद जाओगे तो उस बिंदी से, सार से सारी शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो बड़ी से बड़ी समस्या को भी ख़त्म कर देंगी, बिंदी लग जाएगी सारे में। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।